सोचना पड़ेगा क्या मैं कमिट करूं या फिर नहीं। इमॉर्टल का एक और ग्रेनेड आता है जो ऑस्टिन को कंफर्म करेगा, आई बिलीव दैट्स इट। इमॉर्टल का ये ग्रेनेड दो फिनिश पॉइंट्स लाएगा उनके नाम, एक्सो वर्सेस गॉडलाइक वर्सेस नन अदर देन मार्कोस गोस्टली, जिनको भी एक्सो सेंसी कंफर्म करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, गॉडलाइक वर्सेस एक्सो, फोन वर्सेस फोर, ये मिरामार का मैप दर्शाने वाला है कौन बनेगा इस मैच में मिरामार का बादशाह। यहां से दोनों ही टीमों के पास सर्कल का हिस्सा हमें देखने को मिल जाएगा, बट अब बारी आ चुकी है आठवें सर्कल की। अब आठवां सर्कल किस टीम को फेवर करने वाला है? सेंसे के पास हमें हेलमेट देखने को नहीं मिल रहा, तो सेंसे को पीक नहीं करना है, यहां से ज्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है, वरना कुछ बुलेट्स के कनेक्शन और उन्हें टेक डाउन किया जा सकता है। बट जी गॉड नॉक कर दिए गए हैं सेंसे के द्वारा। इस तरीके की ओपनिंग वो भी इस 4v4 फाइट के अंदर प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए, बट समय है यहां से टीम गॉडलाई के पास अपने खिलाड़ियों को रिवाइव देने का। बट इमॉर्टल वो रुकना नहीं चाह रहे, वो लगातार ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक टू बैक ग्रेनेड्स स्पैम किए जा रहे हैं, बट क्या वो ओपनिंग निकल पाएगी? मिल चुकी है ओपनिंग, रिकॉर्ड हो चुके हैं नॉकआउट, एक और ग्रेनेड आएगा इमॉर्टल की तरफ से। नीड परेड का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सो की टीम, बट क्लच गॉड अभी तक अपना पोजीशन रिवील नहीं किया है, रूफटॉप पे इंतजार कर रहे हैं जैसे ही मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। जॉनथन आगे आते हैं, ट्रेड निकाला गया पीएस के द्वारा, क्लच गॉड को भी नॉकआउट किया गया, गॉड लाइक अपने नाक के नीचे मैच कमाए थे, बहुत ज्यादा क्लोज है। मॉडल आ गया थे, उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। इट्स डाउन टू अ 2v2, सी गॉड अकेले बचे हुए, नियो के एचपी बहुत लो रहने वाली है। इट्स डाउन टू अ 1v1, हैकर एंड फियर सामने आते हैं जरूर, एंड इट्स गोइंग टू बी अ 2v2 वंस अगेन, बट लुक्स लाइक इट्स एक्सो जो लेके जा चुके हैं इस मैच का चिकन डिनर। जरूर देखना चाहूंगा मैं, यस इट इज एक्सो जो इस